all a beautiful day to start a vlog. So remember when I came back from the Vande Bharat mission flight और उसके बाद मेरे को home quarantine serve करना था for a week, but I didn't show you any of it. There was a reason behind it, and I even got messages from you guys that you want to see a family reaction video. And इतने time बाद घर आके कैसा लगा? I was way too occupied to even think about all these things. So this video is going to be a flashback kind of video. So are you guys ready? Because now I think I am. I can share what all happened in these past few weeks. And yeah, let's get started. Hola amigos, welcome back to my channel. जैसी feeling आज मौसम की है ना, थोड़ी thunder type और थोड़ी सी greyish. I was feeling the exact same thing few days back. Actually, मैं नहीं है. Me along with my whole family, we all went through this. हाँ, starting with home quarantine. Once I got to the room, थोड़ा सा वहाँ पे एक दो दिन बहुत अच्छे से निकले. मम्मी खाना बना बना के दे रही थी विंडो से. So आज खाने में आया है टिंडे, परौंठी, सैलेड. आई लव द होममेड पनीर. दिस इज द सरप्राइज एलिमेंट जिसकी हमने फ़ोन पे बात करी. इट वाज ऑल गुड, ठीक है. बट मेरे साइड वाले रूम में पापा वाज डीलिंग विद 102 फीवर, विच इज़ नॉट छोटी बात. घर में सबके टेम्परेचर और सबकी हेल्थ का स्टेटस ये है. मम्मी और दादी रिकवर कर चुके हैं, दे आर बैक टू नॉर्मल. तो उनका वायरल तो नहीं, उनका फीवर ही था. पापा का वायरल है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग. तो अब सुबह पापा को पहली बार पसीना आया 7 दिनों के बाद. क्योंकि फीवर में दवाई लेने के बाद जब पसीना आता है उसका मतलब यही माना जाता है कि अब फीवर टूटना चालू होगा. तो सुबह पापा का फीवर थोड़ा कंट्रोल में आया है. अब जस्ट आई एम जस्ट होपिंग ये नॉर्मल होता जाए अब, क्योंकि सुबह पसीना आया है, विच इज़ अ गुड साइन. तो पापा नॉर्मल होंगे तब मैं इस रूम से बाहर निकलूँगी. अगर पापा नॉर्मल जल्दी नहीं होते देन आई थिंक आई विल स्टे इन दिस रूम अ लिटिल लॉन्गर, विच आई डोंट वॉन्ट एट ऑल. मोर देन दैट अभी तो दिन रात यही प्रे हो रहा है कि यार सबकी हेल्थ रिस्टोर करो प्लीज़. अभी 2 दिन पहले सपने में जैकेस भाई साहब आए थे और पूरे नहीं आए थे. वही शैतानी करते हुए उसकी सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइक हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी मुझे सपने में दिखा था, जहाँ से उसकी पूंछ एकदम सीधी खड़ी हुई दिख रही थी. पता नहीं कहीं ना कहीं इधर उधर मुँह मार रहा था घुसने के लिए. तो जैकेस दिखा था सपने में. अभी आई एम जस्ट गोना सिट विद माई इमोशंस, वॉच देम एंड लेट देम पास. क्योंकि ये आ रहे हैं और बहुत ज़ोर से आ रहे हैं, बाहर जाना है मुझे ना. ये जब ये 3 दिन ख़त्म हो जाएंगे ना, मेरा लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है 9th June इज़ माई लास्ट सर्विंग डे इन दिस होम क्वारंटीन. देन आई कैन मूव टू माई रूम एंड बी माई सेल्फ अ लिटिल मोर. मुझे बस ये वाला मौसम चाहिए दोबारा इस रूम से निकलने के बाद. मुझे ऐसा लग रहा है ये कभी नहीं आएगा. वैसे अभी बारिशों का मौसम आना है. सो आई जस्ट स्टॉप ब्लैबरिंग एंड डील विद दिस इमोशनल सिचुएशन. वियर्ड सी, आई डोंट थिंक टुडे इज़ गोइंग टू बी अ स्मूथ डे. और आई कैन फूल माई सेल्फ एंड से टुडे इज़ गोइंग टू बी अ स्मूथ डे, बट आई नो हाउ इट्स गोइंग टू बी. लेट्स सी. मतलब दरवाज़ा यहाँ है, मैं खोल के बाहर जा सकती हूँ. और मेरा मन भी करता है सुबह उठते ही इंस्टिंक्ट यही कहता है कि बाहर जाऊँ, सबसे मिलूँ. मैंने लॉक कर रखा है कि मैं रिफ्लेक्स में दरवाज़ा खोल के बाहर ना चले जाऊँ. और मैं रूम में थी एंड आई कुडंट इवन गो आउट. इन आई वॉज इन माई ब्रदर्स रूम सर्विंग दैट 7 day क्वारंटीन एंड माई डैड एडजेसेंट टू माई रूम वॉज डीलिंग विद 102 फीवर एंड माई मॉम वॉज सर्विंग एवरीबडी डूइंग जो घर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होते हैं, जो हम सब कर ही रहे हैं, जो आई एम श्योर यू गाइज यू ऑल मस्ट बी हेल्पिंग. और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ करो, इट्स सो मच. मतलब 1 महीना हो गया अब ये सब करते करते. मैं मतलब मोनोटनी ऐसी होती है कि यार रोज़ झाड़ू लगाना ज़रूरी है क्या? बट लिटरली ज़रूरी है, इट्स नॉट टू लॉन्ग. मिट्टी आती है, हर 5 घंटे में आ जाती है. 3 दिन बहुत प्यार से आराम से कट गए, बट उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड टू गेट सीरियस एंड आई स्टार्टेड टू लूज़ माई कूल. बिकॉज मैं रूम छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे अपना भी डर लग रहा था कि मैं कैरियर ना हूँ. एंड यू गाइज नो कि जब इतना टाइम फ्लाइट करके आ रहे हो और 14 दिन सर्व करना है तो यू शुड सर्व 14 days. तो आई वॉज कीपिंग दैट इन माइंड एंड आई वॉज स्टेइंग इन साइड एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो लाइक कि ठीक है, आई डू इट, हो जाएगा मैनेज. आई स्टार्टेड टू रियली लूज माई कूल एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गो आउट एंड हेल्प इन सम. ऑन द 3rd and 4th day स्टेइंग इन साइड द रूम बिकेम वेरी डिफिकल्ट. मैं अब देखती हूँ ना वो वीडियो तो ऐसा लगता है कि यार
अंदर ही तो रहना था, इतना क्या हो रहा था कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को मौसम देखना है। एंड एक्चुअली यही मौसम था उस दिन भी, पर ऐसे मौसम में मोस्टली आई एम आउट, तो ऑब्वियसली वी ऑल आर स्टेइंग एट होम, नॉट स्टक एट होम। तो ऑन द 13th डे ऑफ माई क्वारंटीन, द टोटल क्वारंटीन, आई डिसाइडेड टू स्टेप आउट। एंड दैट डे, और स्पेशली उस टाइम पे ना कोविड का टेस्ट भी नहीं हो रहा था, तो स्पेशली इधर उधर कॉल वॉल करके एक बंदा मिला, थैंक गॉड टू दैट पर्सन, वो आया, उसने सैम्पल वैम्पल कलेक्ट किया। 8 दिन हो गया पापा को फीवर में रहते हुए, तो टुडे इज़ द 9th डे, बाकी कल होपफुली टेस्ट हो जाएगा एंड नेगेटिव आएगा, बाकी आई विल कीप अपडेटिंग। चलो बाय। सो मैं क्या करती हूँ, मेरा वो जो येलो बैग है उसके अंदर सारे मैले कपड़े हैं, तो रोज़ थोड़े थोड़े उठा के धोती हूँ और इस चेयर पे सूखने को रख देती हूँ। तो आज के कपड़े डन, नाउ आई विल हैव ब्रेकफास्ट। सैनिटाइजर, आई एम ऑल्सो रेडी टू स्टेप आउट ऑफ माई रूम, बट अभी पापा का कोविड का टेस्ट होना है, तो एक भैया आए हैं वो अभी टेस्ट करेंगे। मैं यहीं अपने दरवाजे पर खड़ी हूँ, आई एम जस्ट सुपरवाइजिंग एवरीथिंग। पापा आप अंदर चले जाओ, दरवाजा बंद कर लो। आप पहले अपना दरवाजा बंद करो। That was the day and time when I moved from my brother's room to my room, and I just, you know, इतना कुछ चल रहा था उस time पे भी, मैं एकदम से अपने room में घुसी और मेरे को ना realize नहीं हुआ कि चलते चलते मैं कहाँ आ गई, क्योंकि I think उस time भी मैं video बना रही थी, तो मेरा मुँह नीचे था, तो जैसे ही मैंने ऐसे करके ऊपर देखा, मैंने कहा ओह अच्छा मैं अपने room में आ गई हूँ। सो दैट वॉज माई फर्स्ट इमोशन जब मैंने अपने रूम को देखा कि यार नाउ इट फील्स लाइक होम। सो फ्रॉम दैट डे ऑन आई आस्क माई मॉम टू गो इनसाइड एंड स्टे इनसाइड फॉर 1 week या जो भी जितना भी टाइम लगना है, एंड आई विल टेक चार्ज ऑफ द होल हाउस, विच आई डिड एंड विच ड्रेन्ड मी कम्प्लीटली आफ्टर 8 days, 10 आफ्टर 10 to 12 डेज। आई वॉज लाइक ये कैसे करती हैं मम्मियाँ, मेरे को तो समझ के परे है, इतनी विल्पा। देखो नो मैटर वॉट हाउ मेनी प्रिकॉशंस यू टेक, यू जस्ट डोंट नो हाउ एंड वेन it affects somebody or somebody's family. So I just want to tell you that if it does, God forbid, anybody has to go from it, घर पर सारा treatment हो सकता है, doctor को call पर रखो, videos पर रहो, touch में रहो doctor से, and whatever I'm telling in this video, don't just follow it. If in case something like this happens in your household or to your family member maybe, always take professional's advice, don't go by my words, I'm just sharing what happened with me, what happened with us. So guys, today is the end of my quarantine, jo bhi mereko karna tha, 14 days ho gaye hain, and aaj hi I have to step out of the house because papa ki tabiyat abhi, you know, pura situation, you know, fever fluctuate kare ja raha hai 100-102 pe, but oxygen is good. और अभी जो कल फॉर्म भरा था, जो टेस्ट करने आए थे भैया, उन्होंने एक फॉर्म दिया था, फॉर्म मैंने भर दिया था, बट ही नीडेड द स्टैम्प ऑफ द डॉक्टर और द हॉस्पिटल, तो आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, हिज हॉस्पिटल, एंड गेट अ स्टैम्प। तो आई एम गोइंग आउट, और वैसे तो मैं सोच रही थी आई विल मेक अ सेपरेट ब्लॉग व्हेन आई विल ड्राइव द कार, बिकॉज इट्स बीन 8 months मैंने गाड़ी नहीं चलाई है, एंड आई लव टू ड्राइव। और 8 महीने के बाद मैं अपनी किचन में जब गई ना, मुझे सब कुछ इतना डिफरेंट लग रहा था, मुझे आधी चीज़ों की जगह नहीं याद थी, तो थोड़ा ट्रांजेक्शन में टाइम लगा, बट आई होप ड्राइविंग के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज ड्राइविंग इज़ लाइक यू जस्ट कैन नॉट फोगेट, अगर एक बार ही आ गई है तो आ गई है, तो मुझे उसका नहीं है, बट ड्राइविंग सेंस ऑफ अदर पीपल कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग। तो लेट्स गो आउट एंड हिट द रोड एंड गेट द स्टैम्प, कीप प्रेइंग कि सब कुछ अच्छा हो एंड माई डैड गेट्स हेल्दी अगैन। तो सब कुछ रेडी, अभी मेरा रूम इज़ बैडली मेस्ड अप, अभी मैंने कुछ भी नहीं समेटा है, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, तो अभी के लिए ये शील्ड जो एयर इंडिया वाली थी सैनिटाइज और मेरे पास पड़ी थी, तो आई हैव बी यूजिंग दिस मास्क, इसके अंदर आई हैव रेनकोट, इफ़ आई नीड इट I'll wear it and enter the hospital premises. And this is my camera bag और pen और form कहाँ रखा मैंने, form ये रहा, इस पर stamp लगवा के आनी है, चलो let's get the stamp।
यहाँ पे भैया गाड़ी निकाल रहा है, तो बड़ा हो गया सुकून है तो यही है। मुझे बस ये था कि यहाँ पे जो लोगों की सेंस है ना, ये देख रहे हो, ये आदमी जो भाग रहे हैं 30 मार खा बन के, इनकी अभी आदत नहीं है ना। अरे गियर चेंज कर करके ना जो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली वाइब आती है, वो बात अलग है कि 40 से ऊपर नहीं जा रहे अपन। भैया यहाँ पे गाड़ी लगाई है, कोई दिक्कत तो नहीं? येरी बस हॉस्पिटल जाना है, 5 मिनट का काम है। हाँ हाँ जल्दी आ रही हूँ, बस फटाफट भाग के गई, भाग के आई। हेलो रिसेप्शन, सिग्नेचर चाहिए। मैं बात करा देती हूँ आपसे। ये भैया कीवी कैसे दिए? चलो कीवी तो आ गई, पापा को अब हेल्दी करते हैं, कीवी खिला के। चलो थैंक यू भैया। इतनी तेज धूप है कि ऑब्वियसली थोड़ी सी स्किन में गर्म हो रही है, तो हो सकता है कि मेरा बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया हो। तो अभी हॉस्पिटल में एंटर करते हुए उन्होंने टेम्परेचर चेक किया ना, कहते मैडम बुखार आपको? मैंने कहा भाई क्या बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं, धूप धूप में हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया हो। तो 2 मिनट छाया में खड़े होके फिर उन्होंने दोबारा चेक किया तो ठीक आया, तब मैं अंदर घुसी हूँ। और भैया विटामिन सी की गोली मिल जाएगी? दे दो एक पत्ता दे दो। एक ड्रॉर जरूर होता है किचन में जो हर बच्चे का फेवरेट होता है, जिसके अंदर निकलती है नमकीने, बिस्किट और ये सब। पर मेरे घर में हमेशा ये बोरिंग घाटी गाठिया पड़ी होती थी, रस पड़े होते थे। तो जो बोरिंग एरिया था वो अभी भी आज भी बोरिंग है। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट बोरिंग गाठिया, बोरिंग रस सब पड़ा। और ये मेरे जो कुसकुस का डब्बा है, ये 4 चांद लगा रहा है यहाँ पे। Look at the pattern, जिस तरीके से मैंने लगाए हैं प्लेट्स इस तरफ, बड़े बड़े ह्यूमंगस बर्तन इस तरफ, छोटी कटोरियाँ इस तरफ। I'm learning it. और ये पूरा फुल है और बाहर के डॉगी भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी सोते हैं अपना काम करते हैं। बाय। हेल्थ लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और ये अश्वगंधा की टैबलेट्स, ये भी अच्छी रहती है। ये सब अब मैं पॉली बैग में डाल के मम्मी को देने वाली हूँ, ताकि मम्मी को कोई दिक्कत ना हो और वो हमें फ़ोन कर करके ना पूछे बेटा ये कौन सी कब देनी है बेटा। तो एक्चुअली ये गवर्नमेंट की साइड से एक लेडी आई है, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या करना है। तो शी इज़ आस्किंग कि पेन वेन लेके आ। एंड दीज आर ऑल द मेडिकेशन दैट ही गेव मी, ORS। जस्ट मेक श्योर अगर थोड़ा सा भी ऐसे चांस या रिस्क लगता है, गो फॉर द एक्सरे, जस्ट डू दैट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और रिसेंटली आई हैव नोटिस दैट people who have been affected by this virus, they have started going for x-rays aur wo infection nikal raha hai, which should be detected at the very earliest taki wo deal bhi ho sake. So amigos, today is 12th of June aur bahut sare doctor se consult karne ke baad ye natija aaya hai ki papa ka x-ray karana zaruri hai, because it's more than 12 days now. तो वायरस से भी निमोनिया हो जाता है, तो एक बार एक्सरे कराना है ताकि ये सब क्लियर हो जाए।
एंड आई हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल. यहाँ स्टेयर्स पे खड़े हैं तो वहाँ से उस रूम में चले जाओ. बहुत दिन हो गया यार, 12 दिन इज अ लॉन्ग टाइम टू हैव फीवर कंटिन्यूसली. बस अब इनका एक्सरे हो देन ओवर. मैंने अभी बर्तन सेट करके कटोरा खाली किया है, ये टोकरा. इतनी जल्दी बर्तन कैसे कैसे कहाँ से आ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा. तो पापा को उनके रूम में ले गए हैं. पापा एडमिट हो गए हैं एंड ही विल बी बैक सून इन गुड कंडीशन, गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग. सो एक फनी चीज दिखाऊं, मेरी इस यूनिफॉर्म की जो भी ये है पीपी किट, लुक एट दिस. तो ऐसे नहीं दिखेगी, वेट लेट मी फ्लिप द कैमरा. लटक रही थी और मैं ऐसे ही घूमी हूँ. नेवर माइंड, गॉट द जॉब डन. दो काफ़ी हद तक तो हो गया है इवेपोरेट, थोड़ा बहुत रहता है. आई एम इन नो रश, तो सूख जाए पहले देन ओनली आई स्टार्ट द कार. प्रिकॉशंस फर्स्ट, यहाँ पे भी किया था, ये सब तो सूख गया है, थोड़ा बहुत रहता है. और फिर घर पहुँच के घर के काम करने हैं, मम्मी और दादी को खाना खिलाना है. मामा, सो दिस इज द नेक्स्ट डे. ये पालक की सब्जी बन रही है ऑन दादीज रिक्वेस्ट, परांठी बिकॉज अब नॉर्मल डाइट पे आना है. ये सम सॉसेस, ब्रेड, थोड़ी कचर कचर स्नैक्स टाइप. इन सबको भी सैनिटाइज करा, अब इनको पड़े रहने देंगे. पढ़ो बैठ के, यहीं पे पढ़ो और बोर हो बैठ के. आई पर्सनली फील दिस इज ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये जाने वाला है दिस वायरस. और सब हेल्दी रहें, इसको बस जाने दो यार, बस थोड़े टाइम की बात और है, घर में रह लो. ज़्यादा जितना भी टाइम लगेगा ना, आई एम श्योर इट इज़ वर्थ इट. इट इज़ वर्थ योर हेल्थ, इट इज़ वर्थ स्टेइंग इनसाइड एंड स्टॉप सेइंग वी आर स्टक एट होम. वी आर एक्चुअली सेफ एट होम. 17th of June, माय पापा इज़ डूइंग बेटर. मम्मी रूम से बाहर आ गई है, तो थैंक गॉड मुझे अपनी कुकिंग से थोड़ी छुट्टी मिलेगी. इतना बुरा नहीं बनाती, बट होता है ना कि यार अपनी कुकिंग कितने टाइम खा लोगे, और यहाँ पे आने के बाद तो मम्मी की कुकिंग मैंने बस वो होम क्वारंटीन में ही खाई है. तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज से ऊपर हो गया है, तो आई एम क्लीन, मम्मी इज़ क्लीन. आई थिंक आई कैन हग हर, आई थिंक आई कैन. सो ग्लैड दैट he's good, he's coming home now. Although unki धोके फाइनली दिस थिंग इज नाउ ओवर. पीछे पीछे रुको रुको, अपने हाथों को करना हो कर लेना. मेरे घर आने की टाइमिंग कुड नॉट हैव बीन बेटर देन दिस, बिकॉज दिस वॉज द टाइम दैट माई फैमिली नीडेड मी द मोस्ट.
and I'm grateful to be back. And I know there are so many people out there who are waiting to be evacuated from different countries, different parts of the world, and I'm so glad that I got this opportunity just in time and I could be home. So you wanted to know how I'm feeling back home, like mujhe ghar aake kaisa lag raha hai. I'm more than happy, but I'm bored because I'm also human and I know guys are also bored. So I'm just going to, you know, keep myself occupied with some or the other stuff. And there are so many things, and there were so many things that I wanted to do, but like everybody, I couldn't really find the time. Bore hona is still much better than going through all this. So bore ho rahe ho, ho lo, koi baat nahi, videos aayengi wo dekh ke khush ho lo. So yeah, I know this channel and even I have been very serious lately. मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मेरे को रिलैक्स्ड या रेजुविनेटेड फील. देर आर सो मेनी एजुकेशनल वीडियोज एंड वेरी सीरियस स्टफ एंड इवन आई हैव बीन इन दैट मोड बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑल दिस वॉज हैपनिंग एंड नाउ यू नो. सो आई विल बी शेयरिंग सम, यू नो, सम लाइट हार्टेड वीडियोज इन द कमिंग वीक्स. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel and the bell icon also, and leave a comment down below. Share this video because this video should be shared. Simple as that. क्योंकि ये एक्सरे वाली चीज़, I don't know कितनों ने ये चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, कितनों ने नहीं करी. I just felt like I should do it, so I'm doing it. So just share this video with your friends and family, and whosoever you think should watch this video, share this with that person. And I'll see you next time with lighter and less serious vlogs, with a smile on my face so that I can bring on yours. So yeah guys, that's it for today's video. I hope you liked it and I'll see you next time. Till then, you know what to do: dream, hustle and explore. Bye bye. Honestly, if I show you my current feeling and situation, not this particularly, if I show you my current feeling and situation, kya banne menu mein dhokla. चलो टमाटर भी आ गए. I love you.